को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैं वेव भी कहेंगे, तो आंसर है नहीं। डेविएशन की बात कर रही हूँ सर, क्या डेविएशन की बात कर रहे हो बेटा आप? कि जब फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनते तो कैसे डेविएट होते हैं? ये कैसे डेविएट होते हैं? यस सर। ठीक है, ये अगर आप जैसे सोचिए कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और आपने यहाँ पे मैंने क्या करा, दो मेटल प्लेट्स लगा दी है, एक पे मेटल प्लेट्स लगा दी जिसको हमने बैटरी से जोड़ दिया बेटा, जिसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, अब यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया और ये चार्ज पार्टिकल है, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताइए अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो इस प्लेट पे सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये किधर डेविएट करेगा, ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ डेविएट करेगा या सीधा जाएगा बेटा? ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर तो ये क्या करेगा, तो ये डेविएट करके अपने पाथ से। और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन होता है जो फिजिक्स में पढ़े होगे, मे भी शायद आपने पढ़ा होगा राइट हैंड रूल या थंब या लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे कुछ पढ़ा है आपने ऐसा राइट यस हैंड? तो आप उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि ये अगर करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये उसकी डायरेक्शन होगी। तो लाइट राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक जो रूल होता है जिससे आप डायरेक्शन बताते हो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, आप उससे पता लगा सकते हैं बेटा आप कि क्या कैसे डेविएट करेगा प्रांजल। क्लियर सर। है बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट, पिछली क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव बेटा, ठीक है ना, जिसमें हमने दो चीजें अब तक डिस्कस प्रॉपर्टीज करा, जनरल टर्म्स बेटा, ठीक है राइट, जैसे ये वेव है बेटा, ये हमने वेव बनाई है, ठीक है राइट। अब इसमें वेव में हमने क्या बोला था बेटा, ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसको बोला था क्रीज, और जो बॉटम वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रफ। तो हमने क्या बोला था, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रीस्ट कंजिकेटिव क्रीस्ट या टू कंजिकेटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हमने क्या बोला था बेटा, वेव लेंथ। और वेव लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, लैम्डा से। कैसे रिप्रेजेंट किया था? लैम्डा से। और इसके जो यूनिट थी बेटा वो क्या थी, मीटर या सेंटीमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम, है ना, इसकी यूनिट थी बेटा, ठीक है राइट। एक तो ये हो गया बेटा राइट, ठीक है। दूसरा हमने टर्म डिफाइन किया था वेव नंबर बेटा, क्या डिफाइन किया था, वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या था, वेव नंबर इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ क्या बेटा, वेव लेंथ। क्या था, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल क्या बेटा, वेव नंबर। और इसको डिनोट किया था म्यू बार से, कैसे डिनोट किया था, म्यू बार से, ठीक है राइट। तो हमारे पास क्या है, ठीक है, अगर हमारे पास वेव लेंथ है तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें, वेव नंबर, और रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से बेटा, क्या बोलते हैं, एन यू, और इसके ऊपर बोलते हैं बार। जो थर्ड चीज हमने डिस्कस करी थी बेटा वो थी फ्रीक्वेंसी, क्या थी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है राइट। तो फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं सिर्फ न्यू से, डिनोट करते हैं, बार नहीं लगाते बेटा, सिर्फ इससे डिनोट करते हैं। और हमने बोला था किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स सपोज मैं ये पॉइंट ले लूं, या कोई सा ही पॉइंट हम ले लें, ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से अगर हम घड़ी में देखते हैं 1 सेकंड में कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती है पर सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम एनी वन पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड, इज नोन एज बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट पर सेकंड इज नोन एज बेटा क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है राइट। पर सेकंड मतलब यूनिट क्या बता दें, अगर हम इसकी यूनिट बोले तो यूनिट बेटा पर सेकंड है, सेकंड इनवर्स, ठीक है राइट। और सेकंड इनवर्स को हमने बोला था क्या बोलते हैं, हर्ट्ज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच ई आर टी जेड, शॉर्ट फॉर्म में एच जेड लिखता है। क्लियर है बेटा राइट। तो नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, ये तीन चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है राइट, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड। नेक्स्ट लिखिए बेटा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या है बेटा, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है बेटा, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखेंगे इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है राइट। टाइम पीरियड क्या है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, टाइम पीरियड के बाद लिखिए बेटा वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, क्या लिखेंगे बेटा, वेलोसिटी,
दैट इज वी बेटा, वेलोसिटी किसे डिनोट करेंगे, वी। तो हम सभी को पता है बेटा वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, स्पीड अपॉन, सॉरी वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम, ये क्या होता है बेटा वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा डिस्टेंस इनटू लिख दिया मैंने 1/टाइम लिख दिया, और 1/टाइम को मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, अभी मैंने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ टाइम क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नहीं टाइम रेसिप्रोकल है, फ्रीक्वेंसी हो गया। हाँ जी बेटा भूमिक बोलिए क्या कहना चाह रहे हो, भूमिक यू वांट टू आस्क समथिंग। सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है बट हम ज्यादा फिजिक्स की बात नहीं कर रहे बेटा, तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए या डिस्टेंस लिख दीजिए बेटा, एक ही चीज है, राइट, ठीक है ना, राइट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ वर्क क्या होता है, एनीबॉडी व्हाट वर्क, क्या डिफरेंस होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है कि नहीं होता बताइए। यस सर, यस सर। मतलब क्या है, अगर मैं इस जगह पे हूँ और यहाँ से यहाँ पे चला वापस आ गया एक जगह पे, तो वर्क कितना किया मैंने, जीरो, जीरो, क्योंकि मैं क्या करा जहां से चला वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया बताइए, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही तो फर्क है, डिस्प्लेसमेंट क्या है नेट डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो सेम होगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया बताइए। यस सर, यस सर, है ना, राइट, ठीक है। अब अगर मैं भूमिका आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ से पहले मेरे पास आए, करनाल आए और वापस घर पहुंच गए, तो आपने वर्क कितना किया, क्या बोलोगे आप, जीरो, जीरो, जीरो। क्या आपको लग, क्या अगर आप सोचिए कि अगर आप घर से वहां से पैदल आते और करनाल आते और करनाल से फिर वापस जाते घर पैदल, तो क्या आपने कुछ काम ही नहीं किया। यस सर, नहीं काम किया हमने, क्या हमने काम किया बेटा, इतनी मेहनत करी आपने समझो वहां से आने में फिर यहाँ से जाने में, या इतनी गाड़ी आपने चलाई तेल फूका यहाँ से वहां तक घर जाने में, 10 लीटर 5 लीटर तेल लग गया यहाँ से वहां तक 10 लीटर, तो क्या हमने कुछ काम ही नहीं किया, हमने काम किया, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ते हो बेटा फिजिक्स में, फोर्स, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा, ये हमेशा सही नहीं होता बेटा, इसके ऊपर कंडीशन लगती है कि वर्क को आप जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हो, कब कहते हो, उसके ऊपर कंडीशन लगती है, तो मैं अभी नहीं बताना चाहता क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, थोड़ा आप पढ़ लो फिजिक्स तब मैं डिस्कस करूंगा ये क्या होता है, तब आपके साथ डिस्कस करने में थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे इस चैप्टर फिजिक्स में पढ़ोगे वर्क पावर और एनर्जी, क्या पढ़ोगे, वर्क पावर और एनर्जी, जब आप वो चैप्टर पढ़ लोगे तब हम डिस्कस करेंगे कि ये फोर्स, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, राइट, ठीक है। अभी मैं नहीं चाहता क्योंकि हम फिजिक्स में चले जाएंगे, ठीक है ना, होना चाहिए, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बेटा भूमिक, सॉरी भूमिक कह रहा हूँ हिमांश, डिस्टेंस होना चाहिए, आपने एग्जांपल्स दिए उनसे रिलेटेड, हाँ उससे डिस्टेंस होना चाहिए बेटा, जनरल डिस्टेंस ही होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहे हो दिव्यांशी, सर वैसे तो वर्क एफ एस कॉस थीटा, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ ठीक है ना, राइट, थोड़ा और दिव्यांशी पढ़ेंगे ना, थोड़ा और जो फिजिक्स पढ़ना, तो फिजिक्स वाले सर से डिस्कस करना कि सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या, आप ऐसी सोचिए ना, हम यहाँ से वहां तक घूम के चले आए, ठीक है ना, वो अगर आप यहाँ से गए दिल्ली, दिल्ली से घर आ गए, क्या आपने कुछ वर्क ही नहीं किया होगा, अगर वर्क ना करना पड़े तो तेल तो लगना ही नहीं चाहिए था हमारा, है ना, हम यहाँ से सामान लेके दिल्ली, हमने डिलीवर कर दिया कोई सामान, क्या कह रहे हो, फिजिक्स की टर्म में वर्क नहीं है, अभी ये फिजिक्स की टर्म में नहीं है बेटा, इसका मतलब वहां पे आपने सही से पढ़ा नहीं है, फिजिक्स की कभी कोई चीज गलत नहीं होती, इसका मतलब वहां पे गलत पढ़ा रहे हैं, अगर हम सिंपल देखें कि सिंपल क्या है, मैं कहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, सुबह से शाम हमने लगा दिया घूमने में और वापस घर आके हमने बोला रहे, क्या पापा ने बोला होगा आपके, आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, आपको कैसा लगेगा, यार मैं तो भयंकर सुबह से लगा पड़ा हूँ और मैंने कुछ काम ही नहीं किया, सर वो तो जनरली वर्क है, पर फिजिक्स वाला वर्क तो अलग होता है, नहीं बेटा जनरली वर्क और वो वर्क बेटा एक ही होता है बेटा, हाँ ठीक है ना, राइट, साइंस वो होती है बेटा, ठीक है ना, मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना, राइट, अगर आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, अगर आप किसी भी आदमी को, लेमैन को, किसी भी लेमैन को जिसको कुछ नहीं साइंस आती, अगर आप उसको कोई चीज एक्सप्लेन कर सकते हो
ठीक है ना, तभी आपने वो सही से समझा है बेटा। मैं अगर जो मैं जानता हूँ, अगर आप किसी लेमैन को नहीं समझा सकते हो जो आपने वर्क पढ़ा है, दिस मीन्स क्या होगा, आपने सही से उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, तभी आप उसको जिसको अनपढ़ है लेमैन है उसको आप उसको समझा नहीं पा रहे हो, कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने सही से नहीं पढ़ाया उसको। और यहाँ भी आपने सही से पढ़ा नहीं है, जो आप कहते हो वो होना भी चाहिए बेटा एक्चुअल में, और ऐसा होता है, मैं बाद में प्रूव भी कर दूंगा। ये जब आप थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ना तो अपने फिजिक्स वाले सर से भी पूछना, क्या सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्यों लिख रहे हो, ठीक है राइट। और हम करेंगे भी बेटा, करेंगे राइट। आप ऐसे सोचिए ना कि आपकी गाड़ी जो जो इंजन है वो कैसे चलता है, पिस्टन ऐसे आगे गया, यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन आगे गया फिर पीछे गया, फिर आगे गया फिर पीछे गया, ऐसे ऐसे चलता गया, तो क्या इसने कुछ काम ही नहीं किया, तो नेटवर्क डन तो क्या हो गया, इस मशीन ने तो कुछ नहीं किया, नेटवर्क डन तो जीरो हो गया, दिव्यांशी के नहीं जीरो हो गया। अगर पिस्टन आगे गया फिर वापस आ गया तो इसका मतलब नेटवर्क डन जीरो हो गया, बट आप तो पहुंच गए यहां से वहां तक पहुंच गए, कहीं दूर पहुंच गए, और पता चला इंजन ने तो कुछ काम ही नहीं किया, ऐसे कैसे, ठीक है। तो अभी अभी शायद आपको समझ में ना आए, बट एक महीने बाद दो महीने बाद अगर आप मुझसे जब दोबारा पूछोगे ना किसी दिन, तब हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है बेटा, ठीक है ना भाई, क्योंकि अभी आप फोर्स को सही से पहचानते नहीं, फोर्स होता क्या है, फोर्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अच्छे से फोर्स नहीं पढ़ा है, तो जब आप पढ़ लोगे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तब आप जब वर्क पढ़ेंगे तब डिस्कस करने में अच्छा रहेगा, ठीक है राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ डिस्टेंस लिख रहा हूँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना राइट, या डिस्प्लेसमेंट लिख दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा हम यहाँ से वापस आ गए, ठीक है राइट। अब आप देखिए वन बाय टाइम को क्या बोला था बच्चों, हमने फ्रीक्वेंसी बोला था कि नहीं बोला था, बताइए है ना, टाइम का रेसिप्रोकल क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम, तो इसको तो मैंने लिख दिया बेटा न्यू, लिख दिया क्या, लिख दिया न्यू। और यहाँ डिस्टेंस किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, क्या लैम्डा के फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस हम लोग कवर जो कर रहे हैं लैम्डा के फॉर्म में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस सर। ये वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, इसका मतलब क्या होगा, एक लैम्डा ट्रेवल किया, आधा लैम्डा ट्रेवल किया, या टू लैम्डा ट्रेवल किया, यही बोलेंगे हम कि डिस्टेंस अगर ये यहाँ से यहाँ तक वेव यहाँ से चली और यहाँ पहुंच गई तो हमने बोला लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अगर यहाँ पहुंच गई तो हमने बोला कितना लैम्डा प्लस लैम्डा बाय टू ट्रेवल कर लिया, ठीक है, और यहाँ पहुंच गई तो हमने बोला कितना टू लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेटा उसको क्या लिखेंगे हम, वेवलेंथ, क्या लिखेंगे, वेवलेंथ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, किसी भी वेव की, वो लिखते हैं वेवलेंथ इनटू क्या बेटा, मैं यहाँ लैम्डा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी दैट इज वी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बेटा, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है राइट। आप इसके यूनिट से भी देख सकते थे, अगर आप ध्यान देखिए यूनिट क्या थी बेटा, मुझे बताइए लैम्डा की यूनिट क्या मीटर थी कि नहीं थी, हाँ मीटर, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी बेटा, पर सेकंड, तो दिस मींस मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट भी बच्चों बताइए, वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी क्या है बेटा, वेवलेंथ इनटू क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। और लास्ट पार्ट बेटा, जो लास्ट पॉइंट है, लिखेंगे एम्पलीट्यूड बेटा, क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड, क्या लिखेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बेटा, एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, जो भी आपने जो वेव बनाई थी बेटा, हाँ ये जो वेव है, इस वेव की जो क्रस्ट या जो ट्रफ है बेटा, उसकी क्या हाइट है, ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड, ए से डिनोट करते हैं इसको, तो लिखेंगे इट इज अ हाइट ऑफ, इट इज अ हाइट ऑफ क्रिस्ट, CREST, क्रिस्ट और ट्रफ बेटा, ठीक है। और ये हाइट है, मतलब इसकी भी जो यूनिट होगी बेटा मीटर सेंटीमीटर ऐसे ही होगा, एक बार रिपीट करना, इट इज अ हाइट ऑफ, इट इज अ हाइट ऑफ क्रिस्ट और ट्रफ बेटा, इट इज अ हाइट ऑफ क्रिस्ट और ट्रफ, यूनिट क्या है बेटा, यूनिट है, यूनिट बेटा मीटर सेंटीमीटर नैनोमीटर, ये यूनिट होगी,
ठीक है, क्लियर है बच्चों, राइट? ठीक है, तो ये क्या था बेटा, ये थी जनरल टर्म्स बेटा। जनरल टर्म्स में मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बेटा। क्या है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है राइट, ये हमारे केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है राइट, ठीक है। आपने ऐसे वर्ड सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, ऐसे सुना होगा वर्ड नाम, ठीक है राइट, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, राइट, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब बेटा बैंड, ठीक है ना राइट। कलेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं, या बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है राइट। आपने सुना होगा FM बैंड, AM बैंड, ठीक है ना राइट, तो वो जो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लिखेंगे EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, EMR is a form of energy produced by, EMR is a form of energy produced by movement of charge particle, produced by a movement of charge particle movement of charge particle EMR contains EF and MF EMR contains EMF and for EF and MF, a magnetic field and electric field. That is why it called as electromagnetic radiation or electromagnetic wave. That is why it called as electromagnetic radiation or wave. Okay, मैं repeat कर रहा हूँ, ठीक है right? क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, ठीक है। भूमिक, मेरे साथ नेटवर्क स्लो होगा बेटा आपकी तरफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सॉरी मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। It contains electric field and magnetic field. That is why it contains electric field and magnetic field. That is why it is called as. नहीं आ रही, क्या सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? कि सभी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है ना, ठीक है। ठीक बेटा, आपकी तरफ में भी नेटवर्क का इश्यू होगा, ठीक है राइट। रुचिका बेटा दोबारा लॉग इन करिए, राइट, ठीक है। भूमिका आप भी करिए बेटा दोबारा लॉगिन, ठीक है राइट। तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, ठीक है ना। अब स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, स्पेक्ट्रम है कलेक्शन ऑफ, ठीक है, सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम एक साथ एक लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है राइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लिखने जा रहा हूँ जो भी हमने अभी तक डिस्कवर किए हुई है, ठीक है ना राइट। एक है बेटा कॉस्मिक रेस, दूसरा है बेटा, ठीक है ना, गामा रेस, सेकंड है बेटा एक्स रेस, थर्ड है, ठीक है ना, यूवी रेस, नेक्स्ट है बेटा विजिबल लाइट, नेक्स्ट है बेटा इंफ्रारेड, फिर है बेटा क्या, माइक्रोवेव, और फिर है रेडियो वेव। क्या है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो इसको अगर हम एक साथ लिखते हैं बेटा, ठीक है ना राइट, तो इसको क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अगर आप देख सकते हैं बेटा, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं,
वो सब मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कभी भी वो नहीं लिखा है कि कैथोड रेज, एनोड रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है। सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? सेकंड है बेटा, पहला है कॉस्मिक रेस, दूसरा है बेटा गामा रेस, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा गामा, और ये क्या है बेटा एक्स रेस, ठीक है ना, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा विजिबल लाइट, फिर है इंफ्रा रेड रेस, आई आर कहते हैं बेटा इसको, इंफ्रा रेड रेस, फिर है एमडब्ल्यू मतलब माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और फिर आर है बेटा रेडियो वेव, आर का मतलब रेडियो वेव। ठीक है राइट सर, कॉस्मिक रेज कौन सी होती है? कॉस्मिक रेज बेटा, अगर आपने कभी डिस्कवरी देखा हो, सन में कहते हैं कि सन में थंड स्ट्रॉम आ रहा है, अगर आपने देखा हो सन से, जो सन की जो सरफेस होती है उससे कुछ रेज बाहर निकलती है, ठीक है ना राइट, तो उसको कहते हैं बेटा कॉस्मिक रेज बेटा, क्या कहते हैं कॉस्मिक रेज। भूमिकल आपने मुझसे पूछा भी था बेटा कि कौन सी हार्मफुल होती कौन सी हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है ना राइट, क्लियर है। तो आजकल आपने सुना भी होगा जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, जैसे कोरोना चल रहा है, लोग खूब सीटी स्कैन करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, एक्सरेज करा रहे हैं, तो एक्सरेज एक्सरेज क्या करता है, दैट इज हार्मफुल, वो क्या होता है हार्मफुल होता है, तो आपको बार बार एक्सरे या अल्ट्रासाउंड ये सब नहीं कराना चाहिए बेटा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है बेटा, कुछ हार्मफुल होती है कुछ हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है राइट। तो ये इसको क्या कहते हैं बेटा स्पेक्ट्रम। अब अगर यहां से बात करते हैं बेटा, इधर से इधर जगह में जा रहा हूं ना, लेफ्ट टू राइट, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जा रहे हैं तो जो वेवलेंथ है बेटा वो इंक्रीज करती है, वो क्या करती है इंक्रीज करती है, मतलब सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है बेटा वो रेडियो वेव की है, ठीक है ना। इसकी रेंज लगभग लगभग 10^2 meter के अराउंड होती है, कितनी होती है 10^2 meter के अराउंड होता है, ठीक है राइट। या हम अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहेंगे तो 10^12 angstrom के बराबर उनकी रेंज में रहती है, लगभग 100 meter ऐसे कुछ होती है, ठीक है ना राइट, बिल्डिंग से भी बड़ी बड़ी, ठीक है ना राइट, क्लियर। और ये जो रहती है बेटा जो कॉस्मिक रेज रहती है, ये रहती है 0.01 angstrom, आप देख सकते हैं 0.01 angstrom से और कहां तक गया 10^12 angstrom तक गया, ठीक है ना राइट। तो इसका मतलब इधर से इधर क्या करता है बेटा, वेवलेंथ बढ़ रही है, ठीक है राइट। बट अगर हम इधर से इधर जाते हैं बेटा तो वेवलेंथ तो इंक्रीज करती है बट जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी क्या करती है डिक्रीज करती है, सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए सर। वो हमसे पेपर में पूछ सकता है ये रे कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है? इन सारों का ओरिजिनेटिंग पॉइंट बेटा सन है, आप सन से बोलते हैं ना सनस्क्रीन लगा लो आपकी क्या होगी स्किन से बच जाओगे, यूवी रेज प्रोटेक्ट करती है, ठीक है सर। सबका ओरिजिन ज्यादातर सारी, हाँ सारी ओरिजिनेट बेटा वहीं से हो रही है, क्या विजिबल लाइट वहीं से ओरिजिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है? सन नहीं होगा तो क्या हम कुछ देख पाएंगे बेटा क्या इमांस? नो सर। नहीं बेटा सारी रेस कैसे वहीं से निकल रही बेटा, सन से ही आ रही है सारी की सारी। सर फिर एक्सरे मशीन के अंदर आप ऐसा नहीं है कि सन से है, यू कैन जनरेट इट ऑल्सो, जैसे एक्सरे होती है तो एक्सरे आप जनरेट भी कर सकते हो, क्या छोड़ना हो सन का वेट करता है, आपने जैसे इसका हाथ टूटा हुआ तो ऐसे बोलते हैं अपना हाथ ऐसे प्लेट पे लगाइए और वो सामने ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे होता है हो गया बस जाओ आपका एक्सरे हो गया, तो इसका मतलब वो सन का थोड़ा वेट कर रहा है कि ये सन से एक्सरे आएगी तब मैं करूंगा ना, यू कैन जनरेट इट ऑल्सो बेटा, मैंने हमने बताया जनरेट कैसे कर सकते हो आप, व्हेनेवर एनी चार्ज पार्टिकल इज अंडर एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगी, डू यू नो
who has generated x-rays, किसने generate करी थी x-rays बेटा, anybody knows it? कोई बता सकता है? नहीं? ठीक है, name is Rongton, क्या नाम था इनका? Rongton, और कैसे भी इसकी डिस्कवरी coincidence से हो गई, देखिए क्या डिस्कवरी हुई, ये जो Rongton था सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था जो कैथोड रे का थॉमसन ने था, सेम एक्सपेरिमेंट बेटा, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं था, सेम एक्सपेरिमेंट था, फर्क क्या था, उसने यहाँ पे क्या करा था, हैवी मेटल लगा दिया था, क्या लगा दिया था, हैवी मेटल लगा दिया था, ठीक है राइट, कोई हैवी मेटल जैसे आपके पास कहो कि सिल्वर लगा दिया या कोई और हैवी मेटल लगा दिया, ठीक है ना राइट, ठीक है राइट, टंगस्टन लगा दिया, ऐसे कुछ लगा दिया, तो जैसी क्या हुआ, जैसी क्या हुआ, इसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है ना, तो कोइंसिडेंस से क्या था, इसके बाहर कोई मेटल प्लेट लगी पड़ी हुई थी, बाहर इस क्यूब के बाहर मेटल प्लेट पड़ी थी और उसमें क्या कर रखा था, उसमें जेडेंस लगा हुआ था, ठीक है ना राइट, जेडेंस लगा था, तो जैसे ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो Rongton ने देखा कि ये ग्लो करने लगी, ये स्क्रीन ग्लो करने लगी, ये जो मेटल प्लेट है जिसपे जेडेंस लगा था ये ग्लो करने लगा, तो उसको ये समझ में नहीं आया कि ग्लो क्यों करने लगा, क्योंकि ये तो इसके बारे में थॉमसन ने तो कुछ कहा ही नहीं था, थॉमसन ने तो बोला था जो रे का भैया वो तो चमक की अंदर दिखाई देगी, बाहर तो दिखाई देगी नहीं, तो उसको Rongton को समझ में नहीं आया ये रेज है क्या, अब उसको कुछ समझ में नहीं आया कि रेज है क्या, क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ये जो रेज थी ना ये डेविएट ही नहीं करी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, क्यों डेविएट नहीं करी, क्योंकि इस पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, सो ये डेविएट ही नहीं करी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसको समझ में नहीं आया Rongton को, अरे है क्या ये, सो जब उसको समझ में नहीं आया तो उसने बोला अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसका नाम रख दो एक्स रेज, दैट इज हाउ इट केम्स एक्स रेज, बाद में इसके बारे में पता चला लोगों को कि एक्सरे होती क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, बट Rongton को देने के लिए कि भाई Rongton ने इसके काम किया था तो उसने नाम दे दिया, भाई इसका नाम सेम रखा एक्स रेज, तो एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती है, जब आप क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं मेटल प्लेट पे, हैवी मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करते हो तो रेज जनरेट होती है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, उसी को एक्सरेज कहते हैं, आपको पता है माइक्रोवेव की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जो आप घर में माइक्रोवेव यूज करते हैं, एनीबॉडी नोज़ इट, कैसे डिस्कवरी हुई थी सर? हाँ जी बेटा बोलिए सर, Rongton को ये कैसे पता लगा कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर देख सकता है, इसको नहीं पता था बेटा, उसको बात, ये तो बात की बातें है सब, ये तो बात की बात है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, जो यहाँ तक है जो रेज है, जो कल आप भूमि पूछ रहे थे मुझसे, यहाँ तक जो रेज है बेटा, ये रेज हार्मफुल होती है, यहाँ तक हार्मफुल होती है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू अवर बॉडी बेटा, यहाँ तक जो रेज होती है हमारी बॉडी के थ्रू पेनिट्रेट कर जाती है, और कोई चीज अगर आपको पेनिट्रेट कर रही है, आपको इस पार से उस पार निकल रही है, दिस मीन्स वो हार्मफुल होगी, बट ये जो है, ये जो लाइट है इधर की इधर, ये हार्मफुल नहीं होती बेटा, ये कैन, ये क्या होती है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है, थोड़ा सा हम और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है ना राइट, मैं चाहता नहीं क्योंकि हमारा लेक्चर बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे कि आप डिस्कस कर रहे हो ये सब चीजें बेटा, ठीक है ना राइट, सर कॉस्मिक रेज ओरिजिनेट इन ब्रांच्ड फॉर्म, मैडम मेरे को क्लियर नहीं हुआ है क्या पूछा आपने, क्लियर है बेटा, ठीक है, तो ऐसे ही डिस्कवरी हुई, वो सब ये सब बात की एडवांसमेंट है कि इसको हम अल्ट्रासाउंड के लिए यूज करते हैं, इसको लो, इसके लिए हम बॉडी की अगर कोई फ्रैक्चर हो गया उसके देखने के लिए करते हैं, अब क्या करती है एक्सरे, क्या करता है एक्सरे, हमारी स्किन को तो पेनिट्रेट कर जाता है बट हमारी बोन्स को पेनिट्रेट नहीं करता, इसीलिए वो इमेज दे देता है हमें, बट ये सब बात की एडवांसमेंट है बेटा, ये लेटर ऑन है, ठीक है राइट, क्लियर है राइट, तो ये क्या है, इधर से इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो क्या रही है, देखिए मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ क्यों हार्मफुल, क्यों हार्मफुल नहीं है बेटा, लेट्स सपोज आप ये हो, हम यहाँ पे कितने मीटर के हैं, हमारी हाइट 4 मीटर की या 3 मीटर, 1.5 मीटर की हाइट है, अब इसकी कितनी 100 मीटर की है, ये 100 मीटर का मतलब ये ऐसी ऐसी है ये, तो क्या ये आपको टच करेगी ऐसी की ऐसी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, बताइए आपको हार्मफुल करेगी, नहीं, ये तो ऐसी आई ऐसे निकल गई, लेकिन यही अगर कोई वेव ऐसी होती इसकी वेवलेंथ कम होती ऐसे होती, अब ये क्या करती, अब आपको स्ट्राइक करती और आपके इस पार से पार निकल जाती, तो इसका मतलब जब वेवलेंथ छोटी होगी तो इसका मतलब क्या करेगी, अगर वेवलेंथ छोटी होगी और आपके सेल के साइज की होगी, जो आपके बॉडी में सेल है, तो वो क्या करेगी, डैमेज कर जाएगी बेटा, नहीं बेटा, हाँ रियांशी, दे ऑल आर डिफरेंट बेटा, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, दे ऑल आर डिफरेंट,
अल्फा रेज मैंने बताया था, दे आर हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज हीलियम को बोलते हैं। बीटा पार्टिकल्स इज नथिंग बेटा, बीटा पार्टिकल कैथोड रेज को ही बीटा पार्टिकल कहते हैं, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और गामा रेज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो दे ऑल आर डिफरेंट बेटा। तो होता क्या है, जिस रेडिएशन की वेवलेंथ कम होती है, आपके सेल के बराबर होती है, आपके बॉडी के सेल के बराबर होती है, बॉडी से छोटी होती है, तो वो क्या करता है, ठीक है राइट, तो उसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, उसके उसको क्या करता है, जगह छोटी होगी तो वो क्या करेगा, जब इस पार से उस पार जाएगा तो वो आपके सेल से टकराएगा, क्योंकि उसकी जो साइज है वो आपके बॉडी के सेल के बराबर है, वो डैमेज कर देगा। लेकिन कोई वेवलेंथ बड़ी है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसी निकल जाएगी इस पार से उस पार। सो दैट इज वाई क्या है बेटा, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करती जाती है, इनकी हार्मफुलनेस वो कम होती चली जाती है, ठीक है। और तीसरी बात बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे ऑल मूव्स, हां दे लिख लेंगे नीचे, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, दे ऑल मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट बेटा, सबकी सब किससे मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब सी से मूव करती है, दे ऑल मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट। एक सेकंड बेटा होल्ड करना बेटा, हाँ जी अंशु कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा, कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने कुछ लिखा था बट मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या लिखा था। सर जो ओवन होता है, हाँ हाँ, उसमें माइक्रोवेव यूज होती हैं। हाँ जी बिल्कुल होती हैं, फूड को गरम करने के लिए, तो सर क्या वो माइक्रोवेव फूड से पास होती हैं उसको गरम करने के लिए? बिल्कुल होती हैं बेटा, जब टकराएगी तभी तो होगा सर, पर वो तो आप कह रहे हो कि वेवलेंथ बड़ी। हाँ जी उससे एक्चुअल में क्या होता है बेटा, टकराए या ना, देखिए क्या है, वो पास टकराएगी तो वही जब वहां पे फूड रखा हुआ है, इसीलिए तो आप क्या करते हो उसको बाहर से क्लोज कर देते हो कि वो जो वेव्स है वो बाहर ना आए। माइक्रोवेव की डिस्कवरी बताता हूँ बेटा, माइक्रोवेव की डिस्कवरी भी कोइंसिडेंस से हुई, ठीक है ना। जो माइक्रोवेव जो थे ना जिन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने उससे कुछ लेना देना माइक्रोस्कोप ये सब ये ना, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक रेडियो स्टेशन पे काम करते थे, रेडियो स्टेशन पे जैसे आप विविध भारती या इस पे काम करते हो आप, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही चैनल ऑन किया कि अपना कि भाई स्टार्ट करते हैं, दूरदर्शन स्टार्ट करते हैं या एयर इंडिया स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह 5:30 बजे, ठीक है राइट। तो उन्होंने ऑन किया, उनके पॉकेट में जो उनके पास ओवरकोट था उसमें चॉकलेट पड़ी थी, ठीक है ना। तो जैसे ही उन्होंने ऑन किया तो उन्होंने बोला अब ऑन करके मैं चॉकलेट खाने लग जाता हूँ, तो जैसे ही उन्होंने हाथ जेब में हाथ डाला, ठीक है ना, वो चॉकलेट मेल्ट हो चुकी। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए, बट वो एक क्लोज केबिन में थे। फिर उन्होंने वो दोबारा वही किया, अगले दिन फिर से वही किया, फिर से देखा कि चॉकलेट जो पॉकेट में थी वो मेल्ट हो गई। सो उनको ये आइडिया आया कि ये जहां से कुछ जो वेव्स निकल रही है उसका हीटिंग इफेक्ट है। सो दैट कंस्ट्रक्टेड उनके दिमाग में आया कि इसको हम यूज कर सकते हैं खाना गर्म करने के लिए या कुछ और चीज के लिए। दैट इज वाई उन्होंने क्या डिस्कवरी करी, माइक्रोवेव की डिस्कवरी करी। तो अभी आपने हमने बोला ना कि जब डेफिनेशन मैंने में क्या लिखा है बेटा, डेफिनेशन में क्या लिखा है, बोलिए अंशुमन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो अभी लिखाई मैंने वो बताइए। ईएमआर इज अ क्या बोला था, ईएमआर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ईएमआर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये देख क्या है, ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा। तो जब एनर्जी किसी के पास आएगी तो ऑब्वियस है क्या करेगा, उसका कुछ इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। सो दे ऑल आर क्या है, ये सबके सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है दे मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट बेटा, सबकी सब किससे मूव करती, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती। और जैसे जैसे हम इधर जाते जाते हैं बेटा, विजिबल लाइट का मतलब वो लाइट जो हमें दिखती है, जिसमें हम रह रहे हैं, जो व्हाइट लाइट है वो विजिबल लाइट। बट सन सिर्फ यही लाइट एमिट नहीं कर रहा है, सन और भी हमारी लाइट एमिट कर रहा है। आपने कभी सुना होगा कि कोई एनिमल से जिनको इंफ्रारेड लाइट दिखाई देती है, कोई एनिमल है जो अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारी लिमिटेशन ये है कि हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ इस लाइट को देख सकती है, या हम इस लाइट में किसी चीज को देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, राइट? यस सर, ठीक है राइट। रिद्धि बेटा यू आर आस्किंग समथिंग बेटा, कुछ आप पूछ रहे थे, मैं देख नहीं पाया था, कम अप बेटा, क्या पूछ रहे थे आप, ठीक है राइट। सर डाउट के लिए ऑफलाइन बुला लो, मैं बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है।
अगर किसी को भी बेटा अगर कोई घर पे आना चाहता है मोस्ट वेलकम बेटा, हाँ ठीक है ना राइट, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट खोल नहीं सकते, बट यू कैन कम टू माई हाउस, कोई भी डाउट है आपके पास टेक अ टाइम, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको बता दूंगा, व्हेन आई विल फ्री यू कैन कम टू मी एंड डिस्कस, जो भी आपके पास डाउट है। मैं एड्रेस लिख रहा हूँ बेटा अपना, एड्रेस है मेरा सेक्टर 18 बेटा, सेक्टर 18, हाउस नंबर बेटा 1180 बेटा, हाँ हाउस नंबर 1180 फर्स्ट फ्लोर बेटा, हाँ फर्स्ट फ्लोर हाउस नंबर 1180, ये ओपीएस स्कूल के पास में बेटा, ओपीएस जो सेक्टर 13 इसको स्कूल है, ओपीएस विद्या मंदिर उसके स्कूल के पास में है, या जो गीता मंदिर अगर आपने कभी आए हो सेक्टर 13 में, गीता मंदिर के पास में जो ग्रीन बेल्ट पड़ती है जीटी रोड के साथ में, उधर ही है ये। तो रिद्धि या किसी को भी लगता है बेटा अगर कोई आ सकता है, आते हैं बच्चे ऐसे कि नहीं आते बेटा, हाँ 12th के बच्चे आते हैं, कुछ डाउट होता है तो पूछने आते हैं, आपको से भी लगता है बेटा, किसी को भी लगता है तो प्लीज, हाँ मोस्ट वेलकम है बेटा, आप किसी भी टाइम पे आइए, एक्सेप्ट ये 5-4 से जो भी क्लास हो रही है उस समय, और जो 12th या 9th 10th की क्लास होती है, तो आप फोन करके आइए एक बार, तो आप आ सकते हैं, कोई भी डाउट ले सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, एनीथिंग। क्लियर है रिद्धि बेटा? क्लास के लिए नहीं आ सकते, बस डाउट्स के लिए? नहीं आप पढ़ने भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं डाउट के लिए, बट ये है कि जो सिलेबस का है बेटा वो तो मैं फिर सबके साथ ही पढ़ा पाऊंगा ना, या किसी का कुछ छूट गया है, ठीक है ना राइट, ठीक है, तो वो आ सकता है, जैसे रियांशी आज बहुत दिन बाद आई है क्लास में, राइट ठीक है राइट, तो ऐसे कोई बच्चा है जिसका कुछ छूट गया है, या जो कोई मतलब वो उसको नेटवर्क में कुछ इशू था, तो वो भी आप डिस्कस करते हो, कोई सी भी चीज डिस्कस करने आ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी पढ़ा सकता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मुझे वो फिर से क्लास में रिपीट करना पड़ेगा तो वो कोई फायदा नहीं है उसका। मेरा मतलब है कि रेगुलर क्लास के टाइमिंग्स में, रेगुलर क्लास के टाइमिंग में क्या बेटा, मतलब जैसे अमन सर क्लास पढ़ाते थे, आना चाहते हैं ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, ठीक है आ सकते हैं, बट बेटा उसमें 2-3 लोग को ऐसे में अकोमोडेट कर सकता हूँ, सारे को नहीं कर सकता हूँ, आप अगर 2-4 कोई आना चाहे तो आना चाहे। फिजिक्स में भी सर 4-5 बच्चों के बुला रही है एक टर्न में, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा आप करना चाहते हैं, अगर आप आ सकते हैं, और अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, इफ दे आर अलाउइंग यू, यू आर विलिंग टू ट्रेवल बेटा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अंशुमन दोबारा बोलिए बेटा, नहीं समझ में आया मुझे। सर जो आपने क्लास लेनी थी फ्राइडे सैटरडे को कन्वर्जन यूनिट्स की, हाँ जी हाँ जी, उसके लिए आ जाओ ऑफलाइन। हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर मैं भी, ठीक है। सर किसकी क्लास, कौन सी? वो कन्वर्जन बेटा जिसकी ये मोलैरिटी मोलैलिटी जो हमने कंसंट्रेशन टर्म किया था उसकी कह रहा हूँ मैं। सर टाइमिंग बता, टाइमिंग में बेटा मैं कंफर्म करूंगा सैटरडे को, क्योंकि टाइमिंग हमारी सैटरडे को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपकी और कोई क्लास होती है सैटरडे को क्या? नहीं सर, पर कितनी होती है डाउट लेने जाना, तो उसके साथ चलिए ठीक है, हम लोग फ्राइडे डिस्कस कर लेंगे बेटा, सैटरडे का जो टाइम है ठीक है ना राइट, फ्राइडे डिस्कस कर लेंगे, फ्राइडे को तो सेम टाइम में रखेंगे बेटा, या फिर अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो आप सुबह भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम सुबह करना चाहें तो वी कैन मेक अ क्लास एट अर्ली आल्सो, या फिर अगर शाम को इसी टाइम पे सूटेबल है तो आप इसी टाइम पे भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत मुझे। सर ये टाइम सही है, ये टाइम ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, टाइम पे करेंगे, तो सैटरडे को हम टाइम चेंज कर लेंगे अगर जैसे भी रहेगा, ठीक है राइट, हम कोशिश करेंगे सैटरडे को मॉर्निंग टाइम में हो जाए, सो दैट इवनिंग टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें जो भी हमने डिस्कस किया है, सैटरडे को फ्राइडे को हम इसी टाइम पे रखेंगे, तो प्लीज जिसको भी आना yes, है पहले मुझे बता देना, सो दैट मैं भी अरेंज कर लूँ, राइट ठीक है राइट, क्लियर है बच्चों? ठीक है राइट, तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, मुझे कोई इशू नहीं, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये क्लियर है, स्पेक्ट्रम क्लियर है बेटा, कौन हार्मफुल है कौन हार्मफुल नहीं है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है बेटा, ठीक है ना, अगर आप देखिए यहाँ पे देखिए C is equal to क्या, velocity is equal to क्या लिखा था, frequency into wavelength, अब आप देखिए क्या है बेटा, C तो constant हो गया क्योंकि speed of light तो सबकी क्या है बेटा, constant है, तो C तो constant हो गया, अब अगर आप देख सकते हैं बेटा ये constant है, तो अगर wavelength क्या कर रहा है, increase कर रहा है, तो frequency क्या करेगी बेटा, decrease करेगी कि नहीं करेगी, है कि नहीं, क्योंकि इनका दोनों का जो multiple है वो क्या है बेटा, constant है, तो अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज क्या करेगी बेटा, डिक्रीज ही करेगी,
ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं बेटा, इधर से इधर वेवलेंथ इंक्रीज करती है, इधर से इधर क्या बेटा क्या करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट, तो मुझे ये आप ये बता सकते हो, जो आपने पढ़ा है विप ग्योर, ठीक है ना, राइट, तो उसमें रेड या वॉयलेट किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है बेटा, किस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की। हाँ, वॉयलेट में लिखता हूँ यहाँ पे विजिबल लाइट बेटा। हाँ, क्या है? विजिबल लाइट लिखता हूँ। तो इधर से इधर क्या कर रहा था बेटा, इधर से इधर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही थी, तो जो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है बेटा वो किसकी होती है? रेड लाइट। इसीलिए रेड लाइट जनरली डेंजर के लिए यूज किया जाता है, सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत दूर से दिख जाती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है दूर से दिखती है, इसीलिए क्या है इस तरफ को आएगा रेड, क्या आएगा? रेड, ठीक है। और इधर क्या आएगा बेटा? वॉयलेट। तो वॉयलेट के बाद क्या आएगा बच्चों? वी के आगे क्या आएगा? इंडिगो। इंडिगो के बाद ब्लू। ब्लू फिर क्या? ग्रीन, तो क्या है? ये है योर व्हाइट लाइट का, अगर वो पूछेगा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बताइए, तो ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है विथ योर, और इधर से इधर बेटा हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी बेटा? डिक्रीज। तो विच इज मोर हार्मफुल टू अस बेटा, रेड लाइट और वॉयलेट लाइट? वॉयलेट। वॉयलेट लाइट इज मोर डेंजरस देन रेड लाइट, ठीक है, राइट। और ये क्वेश्चन मेडिकल में क्यों? हाँ जी बेटा बोलिए। डेंजरस क्यों? डेंजरस मतलब क्या है बेटा? क्योंकि क्या है, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो हमें हार्मफुल नहीं, हार्म नहीं करता बेटा हमारी बॉडी को, बट जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो हमें हार्म करता है। ब्लू स्काई होती है तो वो तो डेंजरस नहीं है। कौन सी बेटा? ब्लू स्काई डेंजरस थोड़ी बेटा, ब्लू तो स्काई कुछ होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है आपको दिख रहा है, वो तो अलग चीज है कि कोई चीज में ब्लू क्यों दिखती है, थोड़ी दूर से आपको जो माउंटेन है वो भी ब्लू दिखता है, अगर आपने ध्यान से देखा एटमॉस्फेरिक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, वो तो अलग चीज है। अच्छा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जनरली क्या होगा, इधर से इधर बेटा वेवलेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, तो जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ठीक है ना, वो हार्मफुल नहीं होता, जिसकी कम होती है, वेवलेंथ कम होती है, वो हार्मफुल होता है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। बट जो विजिबल लाइट है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या, हम वही देख रहे हैं हमारे तरफ, चारों तरफ हमारे पास वही है, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये विप ग्योर याद रखना। अब इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है पूरे उसमें कॉस्मिक रेस का, वो याद रखना है आपको किसकी फ्रीक्वेंसी, वो चार आपको ऑप्शन देगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बेटा। एक तो ये बोलेगा, पूछेगा दूसरा क्या पूछेगा कि जो विजिबल लाइट है इसका आप वो बताइए, वेवलेंथ का रेंज बताइए कि कहां से कहां तक होती है। तो इसकी वेवलेंथ बेटा जो विजिबल लाइट की होती है वो 3700 से, और ये होती 700, बट जनरली क्या कहा गया है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसको 4000 बोला गया, इसको 8000 बोला गया। क्या बोला गया इसको? 4000, और इसको क्या बोला गया बच्चों? 8000। तो यूजली बट एक्यूरेटली क्या बेटा, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, तो ये आपको याद रखना है बेटा। तो ऑप्शंस में 4000 क्या कह रहे हैं बेटा, दोबारा बोलिए। तो ऑप्शंस आएंगे उनमें 4000 वाला टिक करना है या फिर 3800? नहीं, वो या तो 4000 वाला ही देगा ये, अगर 4000 के साथ ये गिवन है बेटा तो ये करना है, दिस इज मोर एक्यूरेट। अगर ये गिवन नहीं, सिर्फ 4000 वाला गिवन है तो 4000 ही वाला करना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। और एक कन्वर्जन याद रखना बेटा आप, ठीक है ना, राइट, ये आप कंफ्यूज हो गए तो मैं कन्वर्जन अभी बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जो वेवलेंथ है बेटा वो दो ही यूनिट में गिवन होगी, या तो एंगस्ट्रॉम में जनरली या नैनोमीटर में, ठीक है, राइट। क्लियर है? तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 × 1 नैनोमीटर,
प्लीज ये याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो गए आप आगे जाके। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 × 1 nm। क्लियर है राइट? आइए बेटा, हाँ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बस फॉर्मूला बेटा बहुत सिंपल है, एक ही फॉर्मूला है, सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू क्या बेटा, वेवलेंथ। और सी की वैल्यू आपको पता है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है राइट? तो चलिए बेटा क्वेश्चन लिखते हैं। द विविध भारती, क्वेश्चन लिखिए बच्चों, द विविध भारती, विविध भारती जानते हैं किसको कहते हैं बेटा? कोई जानता है विविध भारती किसको कहते हैं? कभी सुना आपने नाम? नहीं, ऑल इंडिया रेडियो का नाम सुना आपने? ऑल इंडिया रेडियो, यस सर, ठीक है। तो उसको विविध भारती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है राइट? तो लिखेंगे द विविध भारती स्टेशन, द विविध भारती स्टेशन, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.36 kHz, ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.36 kHz, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ EMR, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ EMR emitted by the transmitter, emitted by the transmitter comma, and which part of EM spectrum, and which part of EM spectrum does it belongs to, which part of EM spectrum does it belongs to बेटा, मतलब जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया था वो किस, ये जो 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 फ्रीक्वेंसी, जिस वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी है या जो EMR निकल रहा है वो किस पार्ट में आएगी, किस में बिलोंग करेगी, क्या वो माइक्रोवेव होगी, क्या ये वो रेडियो वेव होगी, क्या ये क्या होगा, वो हमें बताना है। सो करना क्या है बेटा, हमें क्या है, सी पता है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी पता है, हमें वेवलेंथ पता चल जाए तो यूजली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, वो किस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग करती होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो C इज इक्वल टू क्या है बेटा, न्यू इनटू कितना बेटा, वेवलेंथ, ठीक है। C जो होता है स्पीड ऑफ लाइट बेटा, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा किलो हर्ट्ज 13.6, तो हर्ट्ज में लिखना चाहेंगे तो किलो को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1000, और ये हर्ट्ज हो गया बेटा। मैंने बताया था हर्ट्ज क्या होता है, 1/सेकंड को हर्ट्ज कहते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे ये वैल्यू लिखते हैं 13.6 × 1000, ये हो गया क्या बेटा सेकंड, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है राइट। तो जब हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 218 अराउंड मीटर, कितना आता है 218 मीटर बेटा, 219.19, ओके 219 मीटर आता है। आप मुझे बताइए बेटा किस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का होगा ये, यहाँ पे क्या आंसर था बेटा, 100 मीटर था कि नहीं था, या 10⁻² मीटर था कि नहीं था, रेडियो वेव, यस सर, यस सर। और ये भी किसके 100 के रीजन में आ रहा है, 10⁻² के उसमें आ रहा है, 100, 200, 300, 400, जो भी इससे ऊपर होगा वो क्या बोलेंगे, हम रेडियो वेव बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसकी वेवलेंथ मीटर में आ रही है, 100 के टर्म्स में आ रही है, 219 है, दिस मींस इट इज अ पार्ट ऑफ क्या बेटा, रेडियो वेव का पार्ट है, रेडियो वेव का पार्ट है। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट किसी को, कैसे किया हमने,
नो सर. क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? सर एक बार रिलेशन दोबारा बताना जो आपने वाला. रिलेशन दोबारा बता दें. ओके बेटा, क्या है C इज इक्वल टू क्या था बेटा? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी गिवन थी बेटा हमें कितनी, 13.6 किलो हर्ट्ज. तो हर्ट्ज में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्ज में. ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी इनटू वेवलेंथ. और ये हमें पता था बेटा इसकी यूनिट मीटर है बेटा, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड. और ये भी क्या पर सेकंड कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट क्या आने वाली, मीटर आने वाला है. तो ये मीटर आ गया, तो दिस मीन्स क्या हो गया, ये कितना 219 मीटर है. तो अगर हम इधर से इधर चले बेटा, यहाँ पे था 0.01 एंगस्ट्रॉम और इधर कितना था 10 to the power कितना 12 एंगस्ट्रॉम, या कहते 100 मीटर. सो दिस मींस इसका कितने रेंज में आ रहा है, 100 के टर्म्स में आ रहा है, 200, 300, 400 ऐसे आएगा. तो वो किसका पार्ट होगा बेटा, रेडियो वेव का. किसका पार्ट होगा, रेडियो वेव. क्लियर है बच्चों? यस सर. करेक्ट है, राइट, ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे बेटा क्वेश्चन. कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी. कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट. वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम बेटा. Having a wavelength of 5800 angstrom. रियांशी बेटा आपको समझ में आ रहा है? रियांशी आपको समझ में आ रहा है बेटा? चलिए बेटा ट्राई करेंगे. तो हमें वेवलेंथ गिवन है बेटा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है. तो वेव नंबर क्या होता है बच्चों, अभी हमने लिखा था वेव नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ क्या बेटा, वेवलेंथ. तो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, वेव नंबर मिल जाएगा. सेकंड बोला था बेटा फ्रीक्वेंसी. सेकंड बोला था C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, C इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा. हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है बेटा, तो दैट इज सी बाय लैम्डा. सी आपको पता है बेटा, लैम्डा आपको गिवन है. यूनिट का ध्यान रखना है बेटा, यूनिट का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ अगर आप लिख रहे हो जी 10 to the power 8, ये मीटर पर सेकंड है, तो डेफिनेटली आपकी जो वेवलेंथ है बेटा, ठीक है ना, वो भी मीटर में होनी चाहिए. तो फिर 5800 1 angstrom = 10 to the power -10 meter. तो दिस मीन्स यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 to the power -10. तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, अब ये मीटर में आ गया, तो मीटर मीटर कैंसिल बेटा, यूनिट क्या आ जाएगी पर सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी याद है जी. कोई डाउट बेटा, कोई डाउट किसी को भी, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट किया हमने बच्चों? सर वेव नंबर की वैल्यू क्या आ रही है? दोबारा बोलिए प्रांजल, क्या बोल रहे हो आप? सर वेव नंबर की वैल्यू क्या आ रही है? वेव नंबर की वैल्यू बेटा, वेव नंबर की अगर मैंने कैलकुलेट करी है बेटा, 1.724 into 10 to the power 6 बेटा, मेरी यूनिट है पर मीटर बेटा, मैंने पर मीटर में कैलकुलेट किया. तो आप इसको मीटर में कर देना, इसको आप क्या लिख देना यहाँ पे, 1500 into 10 to the power -10 कर देना बेटा, ठीक है. अब 10 to the power -10 ऊपर चला गया तो 10 to the power 10 हो गया. तो इसका मतलब ये लिख दिया आपने 10 to the power 10, इसको यहाँ से हटा दिया, इसके दो जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया बेटा कितना, 8, ठीक है. तो 10 to the power 8 अपॉन कितना बेटा, 58 बेटा, ठीक है भाई. इसको आप ऐसे लिख दीजिए 100 into 10 to the power 6 बेटा. अब 100 by 58 कितना आ जाएगा, 1.72.
और ये बच गया बेटा कितना 10 टू द पावर 6 बच गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? सभी को क्लियर है बेटा? हर्षिता क्लियर है बेटा आपको? सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? सो ये था बेटा वेव नेचर। क्या था? वेव नेचर, ठीक है ना? राइट, अब हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है? राइट, तो लिखेंगे बेटा सेक्शन, अब लिखेंगे हेडिंग डालेंगे पार्टिकल नेचर। पहले हमने वेव नेचर पढ़ा, अब हम पार्टिकल नेचर डिस्कस कर रहे हैं, तो लिखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ अ ईएमआर, पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर। ठीक है, तो जैसे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो दो फिनोमिना को, दो फिनोमिना शो करती है, एक इंटरफेरेंस, कल की क्लास में बोला था, और एक डिफ्रेक्शन। तो अगर कोई चीज ये फिनोमिना शो करता है तो हम कहते हैं कि दैट इज अ वेव, या उसका वेव नेचर है। अब पार्टिकल नेचर के लिए हमें, अब हमें एस्टेब्लिश करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें पार्टिकल नेचर भी है, मतलब उसका ड्यूअल नेचर है, उसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। मतलब कह सकते हैं कि इट इज एक्टिंग एज अ वेव ऑल्सो एंड एक्टिंग एज अ पार्टिकल ऑल्सो। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पार्टिकल और वेव में कोई बेसिक डिफरेंस आप बता सकते हैं? क्या बेसिक डिफरेंस होता होगा ऐसी जो आपके दिमाग में आए कोई भी बच्चा, कि क्या बेसिक डिफरेंस होता होगा पार्टिकल और वेव में बेटा? वेवलेंथ, मूवमेंट। क्या कह रहे हो दिव्यांशी? सर पार्टिकल में मास और मोमेंटम देखते हैं, और वेव में डिस्क्रीशन, और जो वो आपने कॉल बताया था। ओके ओके, और कोई नहीं, इससे हम ज्यादा वो नहीं कर सकते बेटा। देखिए क्या है बेटा, पार्टिकल और वेव में क्या फर्क होता है, ठीक है? राइट, मैं इसको कल डिस्कस करूंगा क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है बेटा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? राइट, तो हम इसको कल डिस्कस करेंगे, इसके बारे में लिख पाऊंगा कल। में थोड़ा बहुत बता देता हूँ जो लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है? अगर आप ऐसे देखिए कि अगर आपने कोई वेव, यहाँ पे ऐसे वेव आपने जनरेट करी, लेट्स सपोज आपने कोई रस्सी से ऐसे वेव जनरेट करी, तो ये वेव क्या करेगी? ऐसे ट्रेवल करेगी, ऐसे 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 फाइनली खत्म हो जाएगी। क्या वेव ऐसी ट्रेवल करती कि नहीं करती बच्चों, बताइए? Yes, sir. Yes, या no? या फिर आपके पास क्या है, जैसे आपने पत्थर फेंका पानी के अंदर, तो पहले बड़े रिपल्स क्रिएट होते, थोड़े ऊंचे हाइट के वेवलेंथ, फिर धीरे 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 कम होते चले जाते हैं, ठीक है? राइट, या वेव जो समुंदर में जनरेट होती है वो पहले ऊंची होती है, हाई होती है, फिर जैसे जैसे शोर की तरफ पहुंचती जाती वो खत्म हो जाती है, टर्मिनेट कर जाती है। तो कहने का ये मतलब होता है बेटा, जो वेव होती है ना वो कंटिन्यूअस नेचर की होती है। क्या होती है? कंटिन्यूअस नेचर की होती है। वो जनरेट होगी, अगर वेव यहाँ पे ऐसे जनरेट होगी तो ऐसे नहीं होगा कि बीच में गैप हो जाए फिर ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होगा, या फिर ऐसे हो जाए ऐसे ना। वो क्या होगा, अगर यहाँ होगा तो ये यहाँ ऐसे जाके पहुंचा होगा, फिर ये यहाँ होगा यहाँ जाके ऐसे पहुंचा होगा। तो वेव का क्या है बेटा, वेव कंटिन्यूअस नेचर की होती है। वेव क्या होती है? कंटिन्यूअस नेचर की होती है, वो डिस्क्रीट नहीं होती है या डिसकंटिन्यू नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको 10 पत्थर फेंकने हैं, 10 स्टोन फेंकने हैं, तो क्या 10 के 10 जो स्टोन होंगे आपके पास, 10 स्टोन में क्या गैप होगा कि नहीं होगा? आप एक पहला फेंकेंगे, फिर दूसरा फेंकेंगे, फिर तीसरा फेंकेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो क्या एक पत्थर और दूसरे पत्थर में जो आपने स्टोन को थ्रो किया है, क्या उसमें गैप है कि नहीं है? क्या वो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यू फॉर्म में होगा? वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में होगा, ठीक है ना? राइट, आपने एक फेंका, बट क्या होगा, कम से आप कितना भी जल्दी करो आप, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी कुछ ना कुछ टाइम का फर्क आ ही जाएगा जब दूसरा पत्थर रिलीज हुआ होगा। तो जब आपने एक पत्थर फेंका, तो एक पत्थर क्या हुआ, जो आपने सबसे पहले फेंका वो यहाँ पहुंचा, जो आपने 9th पहुंचा फेंका वो यहाँ पहुंचा होगा, जो 8th यहाँ पहुंचा होगा, 7th यहाँ पे, 6th यहाँ पे, 5th यहाँ पे, 4th यहाँ पे, 3rd यहाँ पे, 2nd यहाँ पे, 1st यहाँ पे। तो आप देखिए, ये आपके पास जो स्टोन है ये क्या है,
दे आर पार्टिकल, इनके ये क्या है पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल होता है बेटा उसका नेचर होता है डिसकंटिन्यू, डिस्क्रीट नेचर के होते, वो कंटिन्यू नहीं होते, बट जो वेव होती है वो कंटिन्यू होती है। तो जो साइंटिस्ट जिन्होंने प्रूव किया कि जो लाइट है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें पार्टिकल नेचर भी है, उन्होंने ऐसे ही प्रूव किया उसको, उसका डिसकंटिन्यू नेचर उन्होंने स्टडी किया, क्या इसका डिसकंटिन्यू नेचर भी है कि नहीं है। तो ये पाया कि हाँ इसका डिसकंटिन्यू नेचर होता है, ठीक है ना राइट। तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि ये क्या होता है, जो लाइट है इसमें ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी दोनों है, ठीक है राइट। अब क्या है, जिन्होंने इसको प्रूव किया कि ये डिसकंटिन्यू नेचर का है तो ये इसमें जरूर पार्टिकल होंगे, उनका नाम था बेटा प्लैंक। क्या नाम था? प्लैंक। और इस थ्योरी को बोलते हैं बेटा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या बोला? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी किया कि जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका क्या होता है, इसका डिस्क्रीट नेचर होता है, ये कंटिन्यू नहीं होती है, इसलिए इसका पार्टिकल नेचर होगा, ठीक है राइट। तो ये प्लैंक ने एस्टेब्लिश किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसको आप बहुत महान मानते हो, जिनका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या करा, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इससे भी उन्होंने क्या करा, जो इन्होंने प्रूव किया था प्लैंक ने, वही इन्होंने एक और सपोर्टिव एक्सपेरिमेंट किया जिसके तो उसमें ये एस्टेब्लिश हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है, उसका वेव नेचर है। आप सभी जानते हैं आइंस्टीन दुनिया के महानतम साइंटिस्टों में से कहा बोला जाता है, इनको कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे वो डिस्कवरीज करी हैं, बट इनको नोबेल प्राइज बेटा एक ही चीज के लिए मिला है, एक ही बार मिला है, और वो किसके लिए मिला है, इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी और ने किया था, समबडी एल्स हैज परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, बट जैसे मैंने कहा क्रेडिट गोज टू आइंस्टाइन बिकॉज उसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन वॉज गिवन बाय आइंस्टीन। और किसने वो किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, उनका नाम था हर्ट्ज। जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो हर्ट्ज, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट वॉज गिवन बाय आइंस्टाइन। फॉर दिस एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन वॉज रिवॉर्डेड एज ए नोबल प्राइज। तो उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी बट ही गॉट द नोबल प्राइज फॉर ऑल ही फोटो इलेक्ट्रिक। सो बाय दीज टू एक्सपेरिमेंट, वन इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसको एक और नाम से कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उससे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये एस्टेब्लिश हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसमें पार्टिकल नेचर भी है। क्या है? पार्टिकल नेचर भी है, राइट। तो आप लिख सकते हैं बेटा इसको, एक दो लाइन लिख लीजिए बेटा, लिखेंगे बेटा यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ EMR, पार्टिकल नेचर ऑफ EMR कैन बी एस्टेब्लिश बाय, पार्टिकल नेचर ऑफ EMR कैन बी एस्टेब्लिश बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन ठीक है राइट। ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, लिख सकते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सेकंड है बच्चों प्लैंक क्वांटम थ्योरी, सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एक थर्ड भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा, उसको लिखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेटा। क्या लिखते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको, इन दोनों के बाद में एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नहीं बेटा सारी थ्योरी नहीं है अंशुमन, ठीक है ना, थ्योरी के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल है बेटा इसमें, तो हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं बेटा इसके ऊपर, ठीक है ना। इट इज नॉट प्योरली थ्योरी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बेटा, थ्योरेटिकल चैप्टर, इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है बेटा, ठीक है राइट। बट आपको क्या है, न्यूमेरिकल कभी क्लियर नहीं होंगे बेटा, ठीक है राइट। न्यूमेरिकल से तभी होंगे बेटा जब आपको थ्योरी आएगी, तभी न्यूमेरिकल होंगे बेटा,
अगर आपके पास थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप सीधे जंप करोगे, क्या मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने कि अरे सर क्वेश्चन करते हैं, राइट। आप क्वेश्चन करोगे, दिस मीन्स आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट तो आपको आता नहीं है, आपने एक दो फॉर्मूले रट लिए, आपने क्वेश्चन लगा लिए, लेकिन वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आएगा ना, वो आपको इधर उधर घुमा के देगा, तब आपसे क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, ठीक है, राइट। तो फिर आपको लगेगा नहीं यार मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो क्वेश्चन उसी बच्चे से बनते हैं बेटा जिसकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, राइट। नहीं तो फिर तो आपने क्या हुआ, वो क्वेश्चन रट लिया आपने, वो तो ऐसे हो गया क्वेश्चन रट लिया, आप एक सब्जेक्ट के 30,000 क्वेश्चन मार्केट में घूम रहे हो पूरे हिंदुस्तान में, अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो 30,000 डिफरेंट क्वेश्चन है, अब 30,000 क्वेश्चन तो हम रट नहीं सकते, 30,000 क्वेश्चन रटने बैठे, ठीक है, राइट। तो इससे बेटर है कि बेटा हम थ्योरी अच्छे से करेंगे, जब थ्योरी अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन, ठीक है, राइट। फिर इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इधर उधर की बातें या थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूँ, मैं सीधे टॉपिक पे नहीं आता कि बस ये लिखा दिया मैंने, काम खत्म किया, नहीं, लिखा के खत्म कर देता तो बेटा ये बहुत आसान हो जाता, मैं तो लिखा देता खत्म कर देता ये सब चीज, yes, sir. लेकिन फिर क्या होता, फिर मजा नहीं आता, आप उसमें उसको आपको फील नहीं करते कि अच्छा ये है क्या, चल क्या रहा है, होता क्या है, ठीक है, राइट। तो उसमें फिर आगे रटने जैसी चीजें हो जाती, ठीक है बच्चों। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, हम कल डिस्कस करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन आता है इसका, तो डोंट मिस द क्लास, जो भी बच्चे अभी क्लास में है प्लीज क्लास मिस नहीं करना है, कल हम इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ बेटा, अगर आप कल क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो ये खुद पढ़ के समझ में नहीं आने वाला बेटा, हाँ, ऐसा टॉपिक है कि आप खुद पढ़ना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है, राइट, ठीक है बेटा। तो कोई डाउट बेटा आज की क्लास में, किसी को डाउट, किसी को भी डाउट बेटा, कोई पूछना चाहता है कुछ, ठीक है, राइट। और उसकी बात बेटा, जो भी आना चाहता है वो आप मुझे बता देना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, यू कैन कम दोबारा बोलिए सर, टेस्ट डिस्कशन करा दो। हाँ टेस्ट डिस्कशन कराएंगे बेटा, टेस्ट डिस्कस कराएंगे हम लोग क्या कहते हैं, कल है ना, कल क्या है, कल थर्सडे है ना, हाँ कल थर्सडे, तो कल हम टेस्ट डिस्कस कर लेंगे बेटा, सो दैट फ्राइडे और सैटरडे हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को टर्म डिस्कस करेंगे सर, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करा दो। कल हम ऐसा करेंगे, जो कल हमारे पास क्या होगा, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट डिस्कस करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, हमारे पास टाइम बच जाएगा, तो हम एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट, ओके सर, क्लियर है बेटा, ठीक है, यस सर, क्लियर है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा सभी को, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। क्या कह रहे हिमांश, क्या कह रहे थे बेटा, थैंक यू कह रहा था सर मैं तो, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा।